आप किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गूगल क्रोम में कंटेंट सजेशन कैसे बंद करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब भी आप सर्च बॉक्स में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो नीचे में आपको शो करने लगता है कि पीछे में क्या क्या चीज़ सर्च किए थे, और उससे रिलेटेड चीज़ भी सजेशन में सजेस्ट करने लगता है। तो उसको कैसे इनेबल और डिसेबल, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रिपल डॉट पे क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कंटेंट सजेशन बेस्ड ऑन योर ब्राउजर हिस्ट्री। आप जो भी यहाँ पर सर्च करते हैं क्रोम में, तो वहाँ पर जो आपको ब्राउजर हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीज़ वहाँ पर सर्च कर दिखाने लगता है, या आप जो भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड पॉपुलर साइट जो वहाँ पर पॉपुलर साइट वहाँ पर सजेस्ट करने लगता है, तो उसको यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ इसको जैसे ही बंद कीजिएगा तो ये डिसेबल हो गया, ऑफ हो गया। इसको जैसे ही कीजिएगा तो इनेबल और ऑन हो गया। तो आप भी अपने फ़ोन में ऐसे ही ऑन या ऑफ, डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, तो आप नए वीडियो को देख